ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा, हम बच्चों का माशुक, हम आत्माओं की साजन शिव बाबा, हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप जो हैं जैसा हैं, तुम बच्चे में भी नंबरवार पहचानते हो। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए, क्योंकि चारों ओर प्रतिष्ठा का आवाज कब फैलेगा? जब मनुष्य को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापना करने आए हैं। और दूसरी बात है, हम सब की सदगति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आए हैं। 2500 साल से भगवान को ढूंढे, भगवान कहां हो? भक्ति अनेक प्रकार के किए हैं, अब भगवान आ गए हमें उसका रिटर्न देने के लिए। बस यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किया है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। जो भगवान के साथ हैं, जो पिया के साथ हैं, अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भले ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वो याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं, शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूं उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देहाभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बच्चों को सबको बाप का परिचय देना है। भगवते पहले उनको मालूम पड़े कि वो निराकार हमारा बाप है, गीता का भगवान है, वही सर्व का सदगति दाता है। वो इस समय सदगति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो, बस लगन में मगन हो जाए तो इतने साधु संत आदि हैं सब एक सेकंड में आ जाए। अगर इतना लगन में मगन हो जाए, निश्चय हो जाए, भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो मुंबई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए। लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, यह सब घोर निद्रा में सोए हुए हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है जो इस बात से निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। बस ये निश्चय हो जाए फिर तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा कहते हैं यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, क्या समझाते हैं, परंतु वह कुछ समझते नहीं हैं कि भगवान धरती पर आए हैं, ये समझाते हैं। बच्चों में भी कोई इस नॉलेज को समझते नहीं है। भगते दुनिया वाले की बात छोड़ो, कोई बच्चे हैं जो इस बात को समझते नहीं है।
तो पहले तो स्वयं में निश्चय होना चाहिए, फिर हम दूसरों को समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं बस एक ही बात पक्का करना है विश्व के मालिक बनने के लिए, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाप से इतना प्यार लोभ होना चाहिए, बस अपने को आत्मा समझ मस्ट विलवड बाप को याद करना है। लेकिन ये मासी के घर नहीं है, माया विघ्न डालती है, उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए अगर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे। परंतु यहां तो साजन को याद ही नहीं करते हैं, तो सकल मुरझाई हुई रहती है। बात मत पूछो, कन्या शादी करती है तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है, कोई की तो शादी के बाद भी शक्ल मुर्दे जैसे रहती है, किस्म किस्म क्या होते हैं, कोई तो दूसरे घर में जाकर मुझ पड़ती है। तो यहां भी ऐसे हैं, बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत तक का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना, यह अवस्था होना चाहिए। बाप का परिचय सबको देना है, क्योंकि स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाकर कितना ऊंचा लक्ष्मीनारायण देवी देवता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं यह है कांटों का जंगल, भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं। परंतु यह कब कैसे किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज है, यह कोई नहीं जानते, तो आफरन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि है। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं, अब बाप आए हैं सोझरा करने, सेकंड में जीवन मुक्ति बना देते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेरा विनाश। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सोझरे में जा रहे हो, सोझरे में हो, बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते, वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर कह दिया है देवताओं को। बाबा कहते हैं भारतवासी बामार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है। पतित बन गए, पतित किसने बनाया, रावण ने, रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। परंतु सत्युग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी समझते नहीं है, माया बिल्कुल पत्थरवधि बना देती है। भगवान ने तुम कुमारियों की सब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे फिर तुम मुझे भूल गए हो। बाबा गीता का रहस्य बता रहे हैं, देह अभिमानी बन माया के बन गए हो, बाकी भगाने की कोई बात ही नहीं है। मां में कम याद करो, याद की मेहनत है, याद करने की प्रैक्टिस हमें करनी है। मैं आत्मा, मेरे पिता परमात्मा, बहुत देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है, देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है, औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यह राजा स्थापना हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है, कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं, बुद्धि बिल्कुल डल हो जाती है। तो बाबा आज हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक ही श्रीमत पर चलते रहना, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है, और सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। वरदान बाबा दे रहे हैं हम बच्चों को, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली
जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते हैं सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व के स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवार्थ निमित्त हूं, मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सच्चा योगी हूं, मैं सच्चा निरंतर बाप को याद करने वाली आत्मा योगी हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए हमेशा अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, छत्र छाया के रूप में उनकी किरणें पड़ रही है, मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग।